अभी हम पल्ला खोल रहे हैं यहाँ से। इसमें जो दो पल्ला है ये दोनों निकालेंगे, तो दोनों निकाल के फिर इसमें एक वोकल बूथ बनाएंगे हम इसमें। और ये कुछ ऐसा रूम है, ये प्लाई है, एक नीचे रखा हुआ है बाहुबली, ऐसा एक स्क्वायर सा कट चुका है, फिर आपका होगा ग्लास फिटिंग। तो ये देख सकते हो अभी यहाँ तक हो गया काम, खड़ी हो गई लकड़ी का दीवार। ये बीच में से ऐसे फोम काट के और ड्रिल भी हो गया, यहाँ पे ऐसी गिट्टी लग गई, यहाँ भी हो गया छेद निकला, ये पूरा फिक्स हो गया, ढेल रहा है अभी ऊपर से बन गया था। हाँ, एक छत लग गई है, तो ये हो गया आपका आधा छत, कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे लग गया छत यहाँ पे। अब एक और प्लाई जोड़ के यहाँ पे लगने वाला है, ऐसा बनाया कुछ ऐसा, अच्छी तरह दिखाऊंगा ठीक है। इसमें अभी इतना काम हुआ है कि इसमें अभी ग्लास लगेगा, इसके अंदर कॉल आ रहा है, अभी यहाँ पे लगेगा दरवाजा, यहाँ का जो पल्ला था ये पल्ला इसमें जल जाएगा, और पल्ला आपका यहाँ बन रहा है ये देखो। यहाँ पे वो था प्लाईज वगैरह थे, प्लाई वगैरह था, ये नीचे का था, नीचे का हटा दिया। ये कारपेट हम लोग यहाँ पे थोड़े से पहले के बच्चे होंगे तो वो यहाँ पे लगा देंगे। ये है बाहुबली और ये पल्ला आ गया, ये दरवाजा पूरा खुलेगा। पहले क्या था प्लान, इसका हाफ लगेगा और ये खुलेगा। ऊपर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ऊपर? यहाँ पे हम ग्लास लगाएंगे, 8 mm का ग्लास आएगा इसमें। तो ये जो है ना प्लाई मोटी, तो ज्यादा मोटी 19 mm का है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जोड़ के मोटी किए गई है। और ऊपर की तरफ ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ रबड़ लगेगा इस तरफ, ऐसा करके यहाँ पे रबड़ लग जाएगा, ये वाला पल्ला आएगा, ये नीचे पल्ला आ जाएगा। और यहाँ पे दो प्लाई है, तो यहाँ पे अच्छी तरह फिल विल करना पड़ेगा ना, कॉटन वगैरह फिर फोम वगैरह फिल करेंगे। और बाकी यहाँ पे भी थोड़ा है ना अंदर की तरफ बढ़िया तरीके से इसमें हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, फोम वगैरह डालेंगे, क्ले डालेंगे। मैं दिखाऊं आपको लुक क्या सारा बात है, ऐसा कुछ लुक आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फोम, मिरर लगाएंगे ना, मिरर के यहाँ पे फोम लगा के जो है ऐसा चारों तरफ रहेगा, ये नीचे की तरफ थोड़ा कटेगा, फिर ये वाला ही फोम लगा देंगे, ये वाला फिर से खोलना हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हमने फोम डाला हुआ है, इस तरफ देख सकते हो पूरा यहाँ पे डाला हुआ है ऐसा करके, मिरर डन हो गया, ये पूरा गैप ढकेगा, ये पैसे डाल देंगे तो देखने में भी सही लगेगा। सकते हो यहाँ पे ये पल्ला लग गया है इधर ऐसे, ठीक है अभी दिखा दूंगा, अच्छी तरह दिखाऊंगा। बंद करने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है, ये जो प्लाई है ये था हमारा 7x3 का, और इसको यहाँ से काटा है, ये वाला चीज यहाँ पे अंदर काटा है, इसका जो वुड बचा है इसमें हमने क्या किया ये बना दिया, तो ग्लास लगा हुआ है नीचे जो है यहाँ पे हमने लगाया, ये इसमें अलग से लगाया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे क्ले वगैरह डाल। तो ये होल है चाबी का होल, तो ये भी उसमें होगा, अंदर वगैरह लाइट्स वगैरह सब लगेंगी, काफी काम है इसमें। ये जो रूम है ये 10x11 का है, तो इसमें काफी लाइक छोटा रूम है। इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये आपका 53 inch का है, ठीक है 4 feet से ज्यादा है ना, 4 feet से थोड़ा ज्यादा, 4 feet से 5 inch हुए, हाँ 5 inch ज्यादा है ठीक है। और ये इतना लिया, और ये वाला जो है ये आपको बता दिया, और ये जो दो बोर्ड है ये दो बोर्ड यहाँ का, इधर है ये, यहाँ पे एक था इधर, नीचे था एक और एक इधर, और नीचे वाला जो वो निकाल दिया हमने, यहाँ पे ड्रॉयर था वो भी निकाल दिया, बंद किया, बंद हो गया पूरा भी बंद है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लाइट वगैरह दिख रहा है ना, ये सब बंद करना पड़ेगा बढ़िया तरीके को। बता दो थोड़ा सा, यहाँ पे फोम लगेगा एक इधर, एक इस तरफ, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इस तरफ, इस तरफ, यहाँ पे, इसके बाहर, इसको ऊपर, ऊपर हम लोग प्लेन वाला फोम लगाएंगे, ये पतले वाले फोम लगाएंगे। और ऐसे खर्चा वगैरह कितना है वो लास्ट में आपको मिल जाएगा ठीक है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो मिलते रहेगी आपको इस चैनल पे। तो गाइस ये मैंने ले लिया है क्ले, क्ले लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। तो गाइस अभी हम लगाएंगे फोम, और फोम के लिए हमें चाहिए ये फेविकोल है ऐसा 505, और ये हमारा 1/2 liter है, और इसका प्राइस बड़ा था करीब 170-160 अराउंड मिल जाएगा आपको। तो आप 1 liter भी ले सकते हो, आधा लीटर भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। और हमने फोम लिया है वो 6 foam लिया है, 6x3 का फोम, एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, एक बार दिखा दो यहाँ पे, ये फोम्स है यहाँ पे दो है इधर एक उस तरफ भी रखा हुआ है, एक फोम हम लोग पूरा यहाँ पे लगाएंगे, तो ये पूरा 3x6 का शीट पूरा आ जाएगा, थोड़ा सा बचेगा उसमें हम लोग जो कटे वटे होंगे उसको लगाएंगे। और ये एक तरह का हमने भी मंगाया है अमेजोन से, तो इनके सब लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो ये डोर साउंड प्रूफ के लिए आप नीचे भी लगा सकते हो, आप ऊपर भी लगा सकते हो, इतनी डेंसिटी है इसकी। तो ये शीट पूरा पड़ा 350 का, और आपको अमेजोन में ये थोड़ा महंगे पड़ते हैं, तो आप देख लेना
अगर आपको अमेज़न से लेना है तो वहां से भी ले सकते हो। अभी हम दिखाएंगे कि इसको लगाना कैसे है। किट खोल लेते हैं, इसमें लगाएंगे ऐसा, तो देख लो ऐसा लगाना कैसे है। इधर आओ, यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे थोड़ा सा, ये हमने इतना लिया ठीक है, और इसको आपको यहाँ से स्प्रेड करके लगाना पूरा ऐसा करके, ये ना जैसे आप देख पा रहे हो इधर, इसको हमें ऐसा करके लेंगे ये, और ये हम ऐसा करके स्प्रेड करके लगा देंगे कोने कोने में। सर ये हम लोग दोनों तरफ लगाएंगे, अभी हमने फोम में लगाया, अभी हम लोग वहां पे भी लगाएंगे, हल्का हल्का करके लगाना है, डायरेक्ट नहीं चिपकाना आपको, इसको सूखने देना है। कितना मिनट? 5 मिनट? 5 या 2 मिनट? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट लगा दो, उसका चिपका दो, ये अपने आप चिपक जाए, जितना सूखेगा उतना अच्छा चिपकेगा ये। इसको लगा के फिर आपसे मिलते हैं, और एक मिनट भाई बंद मत करो। और ये जो फोम है ये इतना बाहर आ रहा था, तो हम क्या करेंगे उसको क्विच कर देंगे एक साल से लगा के, तो हम लोग को काटना नहीं पड़ेगा। आओ भाई आओ, ये वाला जो कोना है ये बोल लियो, ये वाला जो कोना है ना, ये पूरा कोना फोन काम का होता, फोन होता ना, तो पूरा इसमें लगा देंगे, तो मिलते वीडियो के बाद। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे फोम लगा दिया इस तरफ, और यहाँ पे हम लोग अभी लगा रहे ऐसे, तो ये पूरा यहाँ पे लगेगा, फिर उस तरफ नीचे की तरफ पूरा लगेगा, और हमने इस दरवाजे पे भी लगा दिया, और इधर हमने लाइट लगा दिया, फोम लगाया जिससे कि वो लाइट स्प्रेड हो जाए, और यहाँ पे फिर ये वाले पिरामिड फोम आ जाएंगे, और ये एक स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी बोर्ड का कनेक्शन वगैरह हो गया, यहाँ पे देख सकते हो इधर हमने कनेक्शन ले लिया, ये केबल वगैरह भी हमने यहाँ पर ले लिया है यहाँ से। तो गाइस आप देखो जो है ये वाला फोम लगा रहे, ये पूरा एक शीट है, तो चलते हैं इसको भी वहाँ लगाते हैं, ये लगा के दिखाते हैं। ये तो हमने लगाए कैसे, यहाँ पे हमने ऐसे लगा रखा है ठीक है, यहाँ पूरा ऐसे लगा हुआ है, ये हम पूरा कोने से शुरू करेंगे ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ से देख ये पूरा अलाइनमेंट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ठीक है, ये और लगाएंगे कैसे कर रहा तू, भूल गया क्या? नहीं नहीं ठीक है, हो गया भाई, ये कैसे लगा, हो तो गया ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लगा दिया, तो आप देख सकते हो पूरा बढ़िया तरीके से लग गया ये, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा काटा है, फिट नहीं आ रहा, और इधर हम लोग नहीं लगा रहे कुछ, इस तरफ लगा देंगे, और अभी यहाँ पे, और इस तरफ यहाँ पे बाकी है, तो और ऊपर ही आ गया, ऊपर भी रह गया, और शीट्स हमारे पास है, और 2 बची है। तो भाई अभी देख सकते हो ये हम बाहर से ले रहे हैं ठीक है, और अंदर देखो कौन है, हाय करो, हाय हाय, ऊपर भी फोम वगैरह है, वो हम हटा देंगे। अभी हमने पूरा कर लिया है, पूरा तो नहीं, तो जितना हो सके उतना हो गया, अभी और बाकी है, तो आ जाओ, पूरा कंप्लीट हो गया, सही लग रहा कितना देख के। अभी नीचे की ये वाला जो कारपेट है ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, अभी नीचे लगाते हैं, सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, इसमें आएगा पत्ती वाली फोम आएगी, तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से काम कर रही है, तो ये कनेक्शन वगैरह सब किया है हमने, किया TRS टू TRS, तो ये हम लोग क्या करेंगे फॉर हेडफोन के लिए, वहाँ से ऑडियो इंटरफेस से लेंगे, और इसमें हम लोग हेडफोन एम्पलीफायर रखेंगे। ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, सो यू कैन नाउ सी आर वोकल बूथ कुछ ऐसा आ रहा है, और अभी हम लोग अगर इसको बंद करें तो साउंड ऐसा आएगा, सही आ रहा है ना, पूरा पूरा बंद कुछ सुनाई दे रहा, और एक बेस बन गया है, दरवाजा लगा नहीं अभी सही से, वहाँ पे हम लोग करेंगे काम, वो आराम से कंट्रोल रूम है, यहाँ पे कुछ एक शीट सा लगा देंगे, तो देखने में और अच्छा लगेगा, यहाँ से जो हमने कनेक्शन लिए देख सकते हो यहाँ पे वायर्स वगैरह है, वो कनेक्शन यहाँ पे ले, तो आप लोगों को कैसा लगा ये वोकल बूथ, और इसका कॉस्ट वगैरह मैं बताऊंगा वीडियो में, बने रहो, मिलेगा सब मिलेगा। So guys, finally, हमारा वोकल बूथ कम्प्लीटली बन गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे बनाया हमारा वोकल बूथ, तो जहाँ से हमने शुरू किया था तब तक बन रहा था धीरे धीरे करके, और अभी फाइनली पूरा फुल्ली डन हो गया, अभी हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे अंदर का इंटीरियर डिजाइन किया हमने, तो खोलते हैं, यहाँ पे हमने एक हैंडल लगाया, तो ओपन करते हैं, अभी लाइट्स ऑन करूंगा मैं,
दिखाते हैं आपको लाइट इसका। तो हमने यहाँ पे ब्लू लाइट पूरा दिया है ऊपर की तरफ, जैसे आप देख सकते हो। लगा है इधर स्विच, हमने पहले बताया था। तो ये ऑन करने के बाद कुछ ऐसा लगता है, तो देखते हम कुछ सामान रख पाए। एक हम साउंड का भी टेस्ट दिखाएंगे इसी वीडियो में, तो आप बने रहना वीडियो में। और आप लोग हमें बताओ कि आप लोग को ये वोकल बूथ कैसा लग रहा है कमेंट में, तो हमें भी पता चले। साउंड टेस्ट करते हैं। अभी हम तो स्टूडियो के अंदर है, इसके अंदर हमारा वोकल बूथ है। अभी जो साउंड आ रही है इसी स्टूडियो का आ रहा है, तो देख सकते हो चेक साउंड 1 2 3। और अभी हम चलते हैं वोकल बूथ में, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ और फिर हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, तो फिर आपको फ़र्क पता चलेगा साउंड का। तो अभी आप देख सकते हो नॉइज़ काफ़ी हद तक नहीं है और क्लियरिटी देख सकते हो आप कैसी आ रही है। मैं बाद में चेक करूँगा कैसी आ रही है, आप लोग को भी अच्छी आ रही होगी। चेक साउंड 1 2 3, चेक चेक साउंड चेक 1। अभी हम बिना कुछ बोले सुनते हैं कैसा साउंड आ रहा है। और माइक मेरा कुछ इतना दूर है। ये स्टूडियो का नाम है DS रिकॉर्ड स्टूडियो, ये आपका मालवीय नगर खिड़की में है। और हमारा जो मेन जो साउंड कंसोल है वो हमारा है यहाँ पे, जो हमारे स्टूडियो में है, जो रूम के अंदर है। बाकी है जो हमारा यहाँ से आ रहा है इसका साउंड मेन, तो ये हमारा साउंड कार्ड है यहाँ पे फोकसराइट का 4i4। और ये हमारे मॉनिटर स्पीकर्स है, जैसे आप देख सकते हो हमने इसके अंदर से लिया है यहाँ से लेके, फिर वो दिखेगा नहीं आपको, पूरा अंदर की तरफ से इसके अंदर अंदर होके देन वहां से होके ऐसे आया है। अभी हम लोग साउंड टेस्ट दिखाते हैं आप लोगों को। तो मेरे पास ये है बोट का स्पीकर, को अभी हम यहाँ पे चलाएंगे, देन हम इसको वोकल बूथ के अंदर अभी हम प्ले करते हैं। आपने सुना बाहर का साउंड, अभी हम इसको रखते हैं अंदर। आ जाइए, आओ कम हियर ब्रो। तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया है, अभी करते हैं टेस्ट। अब माइक हमारा यहीं पे रहेगा, प्ले करते हैं यहाँ पे, तो दूर दूर जा शायद मेरे से। हाँ दूर जा, मैं भी आना। तो अभी सुन सकते हो साउंड आ रहा है, अभी करते हैं। साउंड तो आएगा वैसे भी थोड़ा बहुत, कोई नहीं। तो आपको इतना फर्क पड़ जाएगा। अभी हमारा यही खत्म होता है हमारा वोकल बूथ का सेटअप। आई होप आप लोग सभी को अच्छा लगा होगा ये। और अभी हमने सब कुछ दिखा दिया आपको अच्छी तरह, साउंड टेस्ट वगैरह सब कुछ, सिनेमैटिक शॉट भी आपको देख लिया होगा आप लोगों ने, तो काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग जितने भी सामान यूज करते हैं इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेकआउट कर लेना, तो पता चल जाएगा कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं इक्विपमेंट्स।